क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? मूड क्यों ऑफ है? बॉस हैं ये मैडम की वजह से छुट्टी जो हो गई आज की, गुस्सा हो रहे हैं अब वो। अरे भाई, अगर एक दिन फैमिली के साथ गुजार लिया तो कौन सी कयामत आ गई है? एक दिन तो बनता है, क्यों बाबा? देखो, ठीक कह रही हो। अब देखो ना, मैं भी तो छुट्टी करके बैठा ही हुआ हूँ। और भाई, तुम ऐसे करना ना कि अपने बॉस से माजरत कर लेना और उन्हें कहना कि जो आज का काम रह गया है वो मैं कल कर दूंगी। और क्या, अब देखो मैं भी जब कॉलेज जाऊंगी तो सबसे काम मांगती फिरूंगी ना। अच्छा सुनिए, बिजली का बिल आया हुआ है, वो भरना। बाबा रहने दीजिए, अब इस बार मैं पे कर दूंगी। अब जाहिर है जॉब कर रही हूं तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना आप दोनों के लिए। और सुनो, इस बार ना मुझे पॉकेट मनी भी दे देना प्लीज। तुम्हें तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ और इसकी वजह से ना मुझे छुट्टी भी करनी पड़ती है। आपको पता है मेरी सैलरी से ना पैसे कट होते हैं। तो भाई टाइम से उठ के जाया करो ना, ताकि तुम्हारी छुट्टियां कम हो। देख रहे हैं आप इसे, इसकी वजह से लेट होती हूँ क्योंकि ये मैडम तैयार होने में टाइम लगाती है, फिर इन मैडम को कॉलेज ड्रॉप करो और देखे अभी कैसी बातें कर रही है। बाबा, बहन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती है ये? पूछिए इससे। बिल्कुल बनती। क्या आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसे समझा क्यों नहीं रहे? अरे भाई, हम लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम दोनों लड़ती भी बहुत प्यारी लगती हो। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से ही हंसता खेलता रखे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। और ये भी कहें कि खुदा हम दोनों को हमेशा इसी तरह लड़ता रखे। बोले आमीन आमीन। तौबा, देखे तो सईद की हरकतें। अच्छा भैया, सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पकौड़े कैसे बने? बाबा सच बताऊं ना तो बहुत ही बुरे थे। सच में एक ही खा के मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। झूठ बोल रही है, मैं बताती हूँ। ये देखो, बिल्कुल आर्टिस्टिक पकौड़े बने, एकदम टेढ़े मेढ़े। क्या तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का नक्शा लग रहा है। बाबा अरे भाई नहीं, मेरे मियाँ ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए। वैसे मजाक करी थी, आप तो वैसे कुकिंग इतनी अच्छी करते। अभी ये बताएं आप कब अपने हाथ की कढ़ाई खिला रहे? हाँ संडे को। हाथ की तो नहीं, मुर्गी की खिला।